हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये छोटे छोटे FM के रिवीजन पार्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं इन्हें छोटा इसलिए बना रहा हूँ कि आप इन्हें कभी भी रिवाइज कर सके, चाहे आप ब्रश कर रहे हों या फिर खाना खा रहे हों, चाय पी रहे हों, कॉफ़ी पी रहे हों, सोते समय, कभी भी आप थोड़ा सा मूड फ्रेश करना चाहते हैं तो इन वीडियो के थ्रू सर आप रिवीजन ले सकें, और कभी भी थोड़ा सा इरिटेशन फील हो तो सर छोटे छोटे वीडियो से ना फायदा क्या होता है, जल्दी रिवीजन हो जाता है। ठीक है सर, तो सर प्लीज़ अच्छे से पढ़ना सर, ये वेंचर कैपिटल का टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, अच्छे अच्छों को नहीं आता और सही से लिख नहीं पाते, तो सर लिखने पे फोकस करना है। सर वेंचर कैपिटल के बारे में थोड़ा सा मैं हिंदी में बता दूँ आपको, उसके बाद आप इंग्लिश में से पढ़ना, पहले हटा देता हूँ सर। हाँ, पहले आप सुन लो, उसके बाद मैं रीडिंग कर पाऊँगा। सर वेंचर कैपिटल कहता है कि लेट सपोज मुझे एक बहुत बड़ा मतलब इंस्टीट्यूट खोलना है, NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, जहाँ पे मैं सबको फ्री क्लासेस दूँ, और फ्री क्लासेस में सर कुछ बच्चे जो पास हो जाएंगे वो डोनेशन देंगे, लेकिन डोनेशन आज नहीं देंगे, वो डोनेशन तब देंगे जब वो पास हो जाएंगे। तो सर जब मैंने कोई नया बिजनेस खोला तो मुझे शुरू में पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये पैसे देने के लिए कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और वो क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं नए बिजनेस को खड़े करने में। इनसे उनका क्या फ़ायदा होता है कि जो उनका अनयूटिलाइज मनी है कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाता है, तो उनको क्या फ़ायदा मिलता है कि जो उनका अनयूटिलाइज मनी है, जो वो खुद से यूज़ नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट कोई और तो यूज़ करके उन्हें कुछ रिटर्न देगा, इसलिए सर वो अपने पैसे किसी को दे देते हैं। दैट इज़ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, कि वो मदद करते हैं कि भैया किसी भी तरीके से नया बिजनेस खड़ा हो जाए और बिजनेस आगे ग्रो कर सके। तो सर प्लीज़ इस वीडियो को समझने की कोशिश करना, मैं उतना ही बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है, बहुत डिटेलिंग होती है इन सब में, लेकिन हम उतने पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सर वेंचर कैपिटल के बारे में सुनिए सर, ये कहता है फाइनेंसिंग न्यू हाई रिस्क वेंचर, मतलब ये क्या करता है, एक नया बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है जो हाईली रिस्की है। हाईली रिस्की क्यों? क्योंकि वो कल बंद हो जाए, परसों बंद हो जाए, वो चल ही ना पाए, ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना है क्योंकि वो बहुत नया है, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसमें रिस्क बहुत हाई होता है। सर वेंचर प्रमोटेड बाय क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स, मतलब ये क्वालिफाई कौन करता है सर, इंटरप्रेन्योर करते हैं जो खुद बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है सर, सच वेंचर प्रमोटेड, इन वेंचर्स को प्रमोट कौन करता है, क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर। क्वालिफाइड यानी क्वालिफाइड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हु लेक एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस तो कम है लेकिन एक्सपीरियंस। सर मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, ऊपर नीचे वर्ड नहीं करना, ध्यान से सुनना, 1 2 3 स्टार्ट, कि भैया ये क्वालिफाइड तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है सर, और इनको पैसे की ज़रूरत है ताकि ये जो आइडिया इनके दिमाग में ग्रो हो रहा है उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है सर, मैं दोबारा से बोलता हूँ, ये बंदे क्वालिफाइड तो हैं, लेट सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप और मैं हूँ, हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमने सोचा एक NPO बनाते हैं जिसमें हम उन सभी लोगों की हेल्प करें, पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की, CA लेवल पे, कि सब जो दोस्त बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनकी हम हेल्प करें। हम लोग के पास क्वालिफाइड तो है लेकिन हमारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है कि भैया ये सब करें कैसे, और पैसे की ज़रूरत है ताकि हम जो आइडिया है गिव शेप टू देयर आइडिया, कि उस पैसे से हम जो अपनी सोच है उससे असेट्स और रिसोर्स खरीद के हम आगे कर सकें। इट इज़ एन इक्विटी फाइनेंस इन न्यू कंपनी, तो वो क्या करते हैं, एज अ इक्विटी वो हमारे बिजनेस में पैसे लगा देते हैं। अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर ऑल्सो सपोर्ट इन फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्स स्ट्रेटजी, मतलब वो हमें हेल्प करते हैं कि भैया सेल स्ट्रेटजी, सेल स्ट्रेटजी मतलब आप अपने कैसे धंधे को आगे बढ़ाने के लिए बिक्री कैसे करोगे, सेल कैसे करोगे, बिजनेस नेटवर्किंग मतलब आप और लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ोगे, इनेबलिंग द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और अपने जो एंटरप्रेन्योर जो हो आप, उस कंपनी के मालिक, आप अपनी ग्रोथ को कैसे करोगे, तो इस टाइप से वो हमें हेल्प करते हैं। एग्जाम में सर इतना ही आता है, नॉलेज के लिए ये चार पॉइंट और होते हैं सर, कि चार फाइनेंस होते हैं सर कैपिटल, वेंचर कैपिटल के, इक्विटी फाइनेंस, कंडीशनल लोन, इनकम नोट और पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर। सर ये एग्जाम में नहीं आते हैं इसलिए मैं इन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, उसके बाद हम देख सकते हैं सर, फैक्टर्स विच वेंचर कैपिटलिस्ट शुड कंसिडर बिफोर फाइनेंस एनी रिस्क प्रोजेक्ट, मतलब उन्हें किस किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी रिस्की प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से पहले। जो सर पहला है, लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज कंपनी मैनेजमेंट, मतलब उस कंपनी को चलाने के लिए कौन से बंदे वर्क करने वाले हैं। लेट सपोज कुछ आवारा लोग होते हैं
जिन्हें जिंदगी में आज तक कुछ किया नहीं, वो बोलते कि चलो हम ऐसी कंपनी बनाते हैं जिसमें हम शाहरुख खान बनाएंगे। शाहरुख खान इन द सेंस हम क्वालिटी डेवलप करेंगे, लोगों को एक्टिंग सिखाएंगे। तो पहले देखना पड़ेगा कि आपको खुद एक्टिंग आती है, आपको खुद एक्टिंग नहीं आती है, गाना गाना नहीं आता, डांस करना नहीं आता, आपको खुद किसी को मोटिवेट करना नहीं आता, जिंदगी से खुद दुखी हो तो दूसरों को मोटिवेट कैसे करोगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है, लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज इन प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन कितना अच्छा करते हो, प्रोडक्शन इन द सेंस इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस का दोनों का ख्याल रखना है, कम समय में भी बनाना है, कम से कम वेस्टेज के साथ बनाना है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन करना है। नेचर ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब वो ये देखेंगे कि आप जो नया प्रोडक्ट ला रहे हो आपका प्रोडक्ट कैसा है और आपकी सर्विसेज कैसी है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, मतलब आपकी ग्रोथ हो सकती है या नहीं। कंपटीशन को चेक करना है सर, कंपटीशन को चेक करना है इन द सेंस कि वो ये देखेंगे कि आप कंपटीशन में खड़े उतरोगे या नहीं, खड़े उतरोगे इन द सेंस होता है कि आप कंपटीशन को कम्पीट कर पाओगे या नहीं। रिस्क बॉर्न बाय एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि वो जो एंटरप्रेन्योर है वो कितना रिस्क उठा सकता है। अब सर जैसे मैं आपको रिस्क दिखाता हूँ, अभी 1:52 AM हो रहे हैं, 1:52 AM हो रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये सर कितना बड़ा रिस्क है मेरी हेल्थ के साथ और आपके साथ कि आप लोग मुझे अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, इन वीडियोस को बहुत सीरियसली देख रहे हैं। तो ये होता है सर रिस्क बॉर्न बाय एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है कि वो तब तक हार नहीं मानता जब तक वो हार को हरा ना दे। दैट इज रियल एंटरप्रेन्योर, दैट इज रियल रैंक होल्डर, दैट इज रियली अ विनर एटीट्यूड। और एग्जिट रूट, एग्जिट रूट यानी यार हम पैसे लगा दे तो कोई ऐसा जरिया है कि हमारे पैसे हमें रिकवर हो जाए। और उसके बाद सर बोर्ड मेंबरशिप, बोर्ड मेंबरशिप इन द सेंस कि कौन कौन लोग बोर्ड बन रहे हैं, इन द सेंस मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन रहे हैं, क्योंकि जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, जितने समझदार लोग होंगे, उतना हमारा पैसा डूबने का चांस कम होगा और रिस्क लेने के बाद भी हमारा रिटर्न हायर होगा। तो सर ये बातें ध्यान रखनी होती है वेंचर कैपिटल की फैक्टरिंग में। सर इस वीडियो में और इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सर लाइक का बटन प्रेस करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लर्निंग में इन्हेंसमेंट आ रही है या नहीं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।